नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आप ही अपने YouTube चैनल पे। कल के लिए एक्सपायरी के लिए बात करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी की और मार्केट की। देखिए, आज मार्केट ने जैसा हमने डिस्कस किया था काफी हद तक वैसा ही हुआ और प्लान काफी क्लियर था। अगर आज मार्केट 43,000 को पार नहीं करती है तो बाय नहीं करना है और सेलिंग का व्यू लेना है। इनफैक्ट आज काफी बड़ा प्रॉफिट हुआ, 150, 60, 70 का रिया हुआ पुट 300 के भी पार गया और मार्केट एक कंटिन्यूस फॉल दिखाता है, बट टुवर्ड्स दी एंड थोड़ी रिकवरी आती है। सब कुछ इतना खराब नहीं था। मारुति जैसे स्टॉक जिसका रिजल्ट अच्छा आया, अच्छा कर रहा था, ऑटो सेक्टर अच्छा कर रहा था पूरा का पूरा। आज टाटा मोटर 3.5% ऊपर था, TCS डे हाई के आसपास बंद हुआ और भी काफी सारे IT स्टॉक्स थे जो अच्छा कर रहे थे। तो निफ्टी तो थोड़ा स्टेबल रहा, 1800 के भी ऊपर बंद कर रहा है जो कि अच्छी बात है और 18,000 के ऊपर ही निफ्टी की फिफ्थ कॉन्जिक्यूटिव क्लोजिंग आई थिंक। तो यहाँ पे मार्केट में निफ्टी स्टिल स्टेबल, बट बैंक निफ्टी ने एक बहुत बड़ा रिजेक्शन दिखाया है। बट सब कुछ अभी भी खराब नहीं है, क्यों? क्योंकि मैं आपको बताऊंगा। और कल एक्सपायरी है, काफी बड़ा ट्रेंड भी मिल सकता है। मंथली एक्सपायरी है और यहाँ पे बजट भी आ रहा है, तो देखते हैं मार्केट किस तरह से पॉइज्ड कर रही है बजट से पहले। चलते सीधा चार्ट पे। आज दोस्तों मैं लाइव भी आया था और आपके साथ लाइव ट्रेडिंग कराई थी, आप सबको बड़ा अच्छा प्रॉफिट करवाया था, शॉर्ट करवाया था एंड 200 से 250 पॉइंट लाइव में कैप्चर करवाए थे। अगर आपको वो वीडियो आपने नहीं देखा तो जरूर देखिएगा लाइव स्ट्रीमिंग में जाकर मेरे सुबह वाले, आपको उम्मीद करता हूँ उसमें प्रॉफिट हुआ होगा। चलते सीधा चार्ट पे। देखिए, बैंक निफ्टी ने आज एक चीज अच्छी करी है, आज भी ये 20 पीरियड की मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज कर रहा है, 20 EMA के ऊपर क्लोज कर रहा है बैंक निफ्टी, जो कि 20 EMA के ऊपर निकल गया आज। बिल्कुल जो डे लो लगा ये तो फ्यूचर्स का चार्ट है, स्पॉट में एकदम 20 EMA के ऊपर ही लगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ बैंक निफ्टी का चार्ट। देखिए, बैंक निफ्टी एक्जैक्टली 20 EMA जहाँ पे थी वहीं पे लो लगाता है, तो इस लेवल के ऊपर चीजें थोड़ी सी अच्छी मानी जाती है, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल माना जाता है। इसके नीचे आने के बाद आप देख सकते हो कितनी बार मार्केट ने इसी पे रिएक्शन लिया। यहाँ पे 20 EMA से हम गिरे, फिर 20 EMA तक गए, फिर वहीं से गिरे, फिर उसी को टच किया, फिर गिरे। अब इसके ऊपर जो हम निकल गए तो ये सपोर्ट का काम कर रहा है और ये डायनामिक लेवल है, ये बदलता रहता है। तो कल के दिन में 20 EMA जिसके पास में मार्केट खुलेगी, हमें देखना पड़ेगा इसको कैसे रिएक्ट करती है। अगर इसको तोड़ के नीचे आ जाएगा बैंक निफ्टी डेली चार्ट पे, तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि भाई एक ब्रेकडाउन आ गया। दूसरी बात, देखिए ये जो थी ये रेजिस्टेंस थी हमारी रेंज की, ये हमारी रेंज थी और इसकी ये रेजिस्टेंस थी। इसके ऊपर तो गया बैंक निफ्टी पर दोनों दिन सेलिंग आई है। अभी अगर कल रेंज के अंदर वापस आता है तो देखिए नीचे के साइड पे एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन भी है और डाउन साइड फास्ट आती है, हो सकता है ये मार्केट नीचे आने का अटेम्प्ट ले ले। हो सकता है कल का दिन साइडवेज जाए एंड देन फ्राइडे या बजट वाले दिन नीचे का अटेम्प्ट ले, बट वी विल हैव टू सी। तो ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको मार्क कर लीजिएगा कल के लिए और जैसे जैसे मैं बोलूंगा वैसे ही ट्रेड कीजिएगा। 42,700, देखिए 42,700 हमारा ब्रेकआउट लेवल था, इसके नीचे आज हम इंट्राडे में गए अच्छा खासा, मगर क्लोजिंग इसके ऊपर ही आ रही है। ये लेवल था हमारा ब्रेकआउट का लेवल, तो क्लोजिंग बेसिस पे ये लेवल अभी भी डिफेंड हुआ है। अगर आप यहाँ पे लाइन चार्ट देखोगे तो आप पाओगे कि जो रेजिस्टेंस लेवल था जिसके ऊपर ब्रेकआउट आया था उसके ऊपर हम गए थे, वापस रीटेस्ट किया, अभी हम निकल सकते हैं ऊपर भी, ध्यान रखिएगा। ऊपर जाएंगे तो रेजिस्टेंस कहाँ पे है, ऊपर जाएंगे तो रेजिस्टेंस 43,000 के लेवल पे जहाँ पे बहुत हैवी ओपन इंटरेस्ट का बिल्डअप हुआ है, पहली बात। दूसरा रेजिस्टेंस लेवल कहाँ पे है, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल, मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ। देखिए ये ट्रेंड लाइन थी जिसके कारण से आज हम लॉन्ग नहीं किए और शॉर्ट में बैठे, ये आप 15 मिनट के चार्ट पे देख पाएंगे। देखिए 15 मिनट के चार्ट पे जितनी बार भी टॉप लग रहा है इधर यहाँ पे इसी पे लगे हैं, इधर भी इसी पे टच किया और आज भी मार्केट ने इसी को एकदम रिएक्ट करके गिरा है। तो बाय करने के लिए अभी मैं 43,000 का भी वेट नहीं करूंगा। इनफैक्ट अगर मार्केट कल थोड़ा स्लो एंड स्टेडीली ऊपर जाता है और सेकंड हाफ में कोई ब्रेकआउट वगैरह देता है, जिसके चांसेस फिलहाल ऑफकोर्स कम है, बट अगर ये ट्रेंड लाइन के भी ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तो मैं पोजिशनली, जरूरी नहीं है कल 2 बजे का ब्रेकआउट आ रहा है तो 0 to 0 में उसी दिन की 43,000 की कॉल लूँ, बट पोजिशनली थोड़ा सा एक अच्छी क्लोजिंग मानूंगा। बट जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं जाएगी आई विल नॉट बी अ बायर। तो मुझे 42,950 से पहले बाइंग के अंदर इंटरेस्ट नहीं है, 950 से पहले इंटरेस्ट नहीं है। अब यहाँ पे और चीज़ों को समझाता हूँ आपको, देखिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा। लेट्स गो टू 5 मिनट्स टाइम फ्रेम। देखिए 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे मैं चार्ट को जूम कर देता हूँ। कल का अगर हम चार्ट देखें और आज का चार्ट देखें तो एक ही रेंज के अंदर काम हुआ लगभग पूरा दिन। कल हमारी ये लो था और ये हाई था और ये लगभग दिन भर में डिफेंड होता था। कल यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स टेस्टिंग हुई और ये लो डिफेंड हुआ, हाई को आज हमने दोबारा टेस्ट किया, उसके बाद लो पे अगेन सपोर्ट लिया और यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया। ये वो टाइम था जब मैं लाइव करवा रहा था, ये पूरा का पूरा मूवमेंट लाइव कैप्चर करवाया और उससे पहले ये पूरा का पूरा मूवमेंट अपने प्लैटिनम ग्रुप में मैं ट्रेड दे के आया था, जहाँ पे अपनी पुट डबल से ज़्यादा हो गई, बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ। अभी कल के लिए क्या, देखिए ये जो एरिया है ये एरिया एक नो ट्रेडिंग जोन रहने वाला है हमारे लिए। ये एरिया कौन सा है, ये ऊपर के साइड पे 800 के आसपास का लेवल है और नीचे के साइड पे अगर हम देखें तो आज का जो लो लग गया 620 के आसपास का लेवल है। ये 200 पॉइंट की रेंज में अगर बैंक निफ्टी कल काम करेगा तो पिछली एक्सपायरी याद कीजिए बिल्कुल साइडवेज मार्केट थी, पूरा दिन कुछ नहीं किया, ऊपर नीचे 50-60 पॉइंट में चलता रहा। कल भी ये ना हो जाए तो आपको मोमेंटम चाहिए अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो, वहीं पर अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो यू आर कंफर्टेबल। जिन्होंने नीचे के पुट्स बेचे होंगे इस एक्सपायरी में क्योंकि मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है वो कंफर्टेबल है, जिन्होंने कॉल बेचे होंगे वो भी कंफर्टेबल है। तो यहाँ पे मार्केट ऑप्शन सेलर्स के लिए तो बहुत ईजी हो गई है, लेकिन ऑप्शन बायर को अगर कल पैसा कमाना है तो हमारे को ये जो एरिया है इसको अवॉइड करना है।
इस एरिया के ऊपर अगर बैंक निफ्टी जाता है तो देखिए, मैंने जैसा कि बोला मैं ट्रेंड लाइन से पहले बाय नहीं करूंगा। अगेन अगर इसके ऊपर जाता है तो आपको कुछ करना भी है तो आप खाली नीचे के पुट बेचने में इंटरेस्टेड रहिएगा या फिर टोटली अवॉइड कीजिएगा। देखिए 15 मिनट के चार्ट पे चलिए और थोड़ा सा स्ट्रक्चर को अभी भी देखिए, यहाँ पे लो लगाया, उसके बाद यहाँ पे लो लगाया, फिर ये लो लगाया, अभी भी जो लो है ये अभी भी एक हायर लो है और हाई अभी भी लगातार हायर हाई मिल रहा है हमें। ये जो आज का हाई है ये भी स्लाइटली सही हायर हाई है, तो ट्रेंड अभी भी नेगेटिव नहीं हुआ। ट्रेंड कंप्लीटली नेगेटिव कब होगा और ब्रेकडाउन जो हम वर्टिकल फॉल देखते हैं वो कब आएगा? ये जो आज मार्केट गिरी, रुक रुक के गिरी, गिरी फिर रुकी, फिर गिरी फिर चढ़ी, फिर गिरी फिर एंड में वापस रिकवर करी। अच्छा एक बहुत बड़ा फॉल था, बहुत बड़ा पैसा बना आज मुझे भी और मेरे क्लाइंट्स को भी, मगर यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड कंप्लीटली नेगेटिव शैटर डाउन जो हो जाएगी मार्केट वो होगी 500 के नीचे। ये एरिया अगर टूट जाएगा तो 500 के नीचे मार्केट शैटर हो जाएगी। तो देखिए अगर मार्केट 500 के नीचे खुलती है तो एक बात और ध्यान देनी आपको, देखिए 500 के नीचे अगर मार्केट खुलती है तो ओवरऑल ऊपर से 500 पॉइंट का फॉल हो जाएगा। ये तो हमें ऑन स्क्रीन तेजी नहीं मिली, गैप डाउन खुल गया इतना बड़ा 200-250 पॉइंट्स का, तो फिर अगेन मौका शायद चला जाएगा और एक्सपायरी जो है अगेन इस एरिया में साइडवेज चली जाएगी। बेस्ट ट्रेड सेटअप अगर ऑप्शन बायर की तरह मैं आपको समझाऊं तो वो ये है कि मार्केट इसी एरिया में कहीं पे खुले और खुलने के बाद नीचे के साइड पे चले, क्योंकि जो अभी ट्रेंड है वो नीचे का है, नीचे के साइड पे चले, 620 को तोड़े, 620 के लेवल को तोड़े जो आज का लो है, तो मैं 500 तक का टारगेट ले सकता हूँ। उसके बाद मार्केट जितना नीचे जाएगी मैं ट्रेल कर लूंगा, 500 के नीचे जितना जाएगी, 400 जाएगी, 300 जाएगी, वी डोंट नो, मार्केट नीचे जाने टाइम सोचती नहीं है, 42,000 भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, बट मैं 620 के आसपास अगर शॉर्ट करने का मौका मिले प्राइस एक्शन के हिसाब से तो मैं इंटरेस्टेड रहूंगा। वहीं पे अपसाइड में मेरे को इतना इंटरेस्ट नहीं रहेगा क्योंकि 800 बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, 900 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और ये हमें पता पड़ रहा है ऑप्शन चेन देखे। देखिए ऑप्शन चेन आप देख सकते हो कि 800 पे हैवी ओपन इंटरेस्ट, 900 पे, 43,000 पे, 43,100 पे, 43,200 पे, ये बड़े पड़े हैं लेवल्स, तो इनको पार करने में बहुत दिक्कत होगी मार्केट को, तो अपसाइड कैप रहेगी। नीचे जो मैं बोल रहा हूँ 500 पे एकमात्र पोजीशन है जहाँ पे अच्छी खासी ओपन इंटरेस्ट है 1,00,000 से ऊपर, बाकी उसके बाद फिर शैटर डाउन है, नीचे कहीं पे पुट राइटिंग नहीं है, सब लोग अपनी पोजीशन काट के गए हैं। देखिए पुट राइटर जिसने पुट बेची थी उसके पुट के रेट क्या चल रहे हैं नीचे के, 5 रुपए, 7 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए, तो 200, 100, 300 ये लेवल सपोर्ट नहीं है, इनमें जिन्होंने भी पोजीशन बनाई थी प्रॉफिट बुक कर लिया हुआ है और ये लेवल्स मार्केट रुकेगी नहीं। एक बार अगर कल 500 के नीचे मार्केट आती है तो रुकेगी नहीं और सीधी लाइन में वर्टिकल फॉल मिल सकता है, तो 500 के नीचे ऑप्शन बायर्स के लिए मौका बहुत अच्छा है। वहीं पर अगर मार्केट ऊपर जाती है तो सेलिंग कर सकते हो पुट की, मगर आपको कहीं ना कहीं ऑप्शन बाइंग को अवॉइड करना पड़ेगा। ये ट्रेंड लाइन टूटे तो आप मे बी अगली एक्सपायरी के सेफ्टी के लिए ऑप्शंस बाय करने का अटेम्प्ट कर सकते हो। मेरा इंटरेस्ट रहेगा कल मार्केट 500 को तोड़े, वो भी ऑन स्क्रीन तोड़े, और बहुत अच्छा रहेगा अगर 600 के आसपास खुलने के बाद ये नीचे आए तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ स्टॉक्स के चार्ट देखते हैं और निफ्टी का चार्ट देखते हैं। देखिए निफ्टी की बात करें तो निफ्टी अभी भी स्टेबल है, अभी भी रेंज के अंदर है, निफ्टी में ये जो एरिया है अभी भी बेस का काम कर रहा है। इसके नीचे हम लास्ट टाइम आए थे तो फिसले थे, मगर अगले दिन गैप अप खुल गए थे, इस बार आएंगे तो आई डोंट थिंक कि गैप अप वगैरह खुलेंगे और नीचे जाएंगे, तो मेरे को निफ्टी को शॉर्ट करना है तो 18,000 के लेवल के आसपास निफ्टी को एक सपोर्ट और मिलेगा, लेकिन ये लेवल्स हैं 18,070 मार्क कर लेते हैं। अगर 18,070 जिसके नीचे आज भी निफ्टी नहीं आया, आज निफ्टी का लो 18,080 का था, 70 के नीचे अगर निफ्टी आता है कल तो हम शॉर्ट करेंगे, हमारा पहला टारगेट रहेगा 18,000 के आसपास का लेवल, बट आई डोंट थिंक वो ज़्यादा देर होल्ड होगा। 18,000 तक का हमारा पहला टारगेट रहेगा एंड हमारा इवेंचुअल टारगेट रहेगा 950 के आसपास का, 950 तक का हो सकता है, मार्केट और भी नीचे है, बट आप फिर ट्रेल कर लीजिएगा इस एरिया के आने के बाद। तो निफ्टी में अच्छा सेटअप ये रहेगा कि निफ्टी फ्लैट खुले या हल्का फुल्का डाउन खुले और 18,070 को तोड़े। अगर निफ्टी गैप अप खुलता है तो देखिए निफ्टी के अंदर फिर भी आईटी स्टॉक्स का कंट्रीब्यूशन अच्छा है, टीसीएस अच्छा कर रहा है, तो एक शायद तेजी बन जाए, लेकिन यू नो ये लेवल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहने वाले हैं। 200 का लेवल टूटना एंड देन 250, बहुत हैवी ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है यहाँ पे, इनका टूटना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है मुझे। तो निफ्टी को अगर निफ्टी ऊपर जाता भी है तो मेरे को बाइंग में बहुत दिक्कत आएगी, मेरे को लगता है, तो मैं बाइंग नहीं करूंगा, ऑप्शन बाइंग नहीं करूंगा। निफ्टी ऊपर जाएगा तो मे बी मैं 18,000 का पुट बेच के थोड़ा बहुत पैसा बनेगा तो बनाने की कोशिश करूंगा, बट मेरा इंटरेस्ट एज एन ऑप्शन बायर रहेगा। अगर 18,070 ऑन स्क्रीन टूटता है तो मुझे 18,000 एंड देन 17,950 के टारगेट्स में इंटरेस्ट रहेगा। मैं आपको कुछ हैवी वेट स्टॉक्स के चार्ट दिखाऊंगा जो कल मार्केट को इंपैक्ट कर सकते हैं। पहला स्टॉक रहेगा मारुति, जिसको मैंने कल भी आपको दिखाया था, आज लाइव स्ट्रीमिंग में भी मैंने कैप्चर करवाया। मारुति के अंदर देखोगे तो ये मैं आपको एरिया कल भी दिखाया था, मैंने कल भी कहा था बाय कर सकते हो, ब्रेकआउट आ गया है मारुति में। अभी मार्केट अगर स्टेबल होती है, मार्केट न्यूट्रल होती है, मार्केट रुकती है टिकती है, तो मारुति कल एक नया हाई और बना सकता है। ठीक है, बहुत बड़ी कैंडल की एक्सपेक्टेशन नहीं करूंगा, एक मूवमेंट आ गया, बट कल एक डोजी जैसी कैंडल या फर्स्ट हाफ में ऊपर जाके सेकंड हाफ में प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी इस तरह का कैंडल बना सकता है। तो आज के हाई के ऊपर मारुति में मुझे इंटरेस्ट रहेगा, 8700 के ऊपर मारुति बाय रहेगा
और इसमें मैं 20 रुपए के करीब का टारगेट लूंगा पहला, उसके बाद ट्रेल करने लग जाऊंगा, 10 रुपए का स्टॉप लॉस लूंगा, बट 8700 के ऊपर ही बाय करूंगा। एंड मार्केट मैंने बोला जैसा कि स्टेबल रहनी चाहिए। सेकंड स्टॉक रहेगा यहाँ पे रिलायंस का। अगर हम चार्ट देखें रिलायंस को, मैं आपको बोल रहा हूँ डेली की नजर रखिए, इस पर नजर रखिए, ये धीरे 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 फिसलता चला जा रहा है। आप देख सकते हो आज भी इसने एक नया लो लगा दिया और जो सपोर्ट एरिया था उसको टेस्ट करके वहां से बाउंस किया। देखिए 2400 के नीचे रिलायंस नेगेटिव ही माना जाएगा। आज 2400 को टेस्ट किया इसने, उसके नीचे भी गया था बट बंद ऊपर हुआ है। अगर रिलायंस नीचे काम करता है 2400 के तो ये जो एरिया है ये शैटर होने वाला है, और अगर ये शैटर होता है तो ये जो एरिया में एक बार सपोर्ट लिया, फिर दूसरी बार लिया, तीसरी बार भी ले चुका है, चौथी बार सपोर्ट नहीं मिलने वाला है इसको। ये यहाँ से नीचे जाएगा तो बहुत बड़ी जगह खुल जाएगी। अगर रिलायंस ऐसा करता है, रिलायंस 2400 के नीचे जाता है, तो ये भी मेरे लिए क्लियर इंडिकेशन होगा बिना कोई प्राइस एक्शन देखे कि निफ्टी गिरने वाला है, निफ्टी के अंदर शॉर्ट करना बनता है। तो आप रिलायंस पे नजर रखिए, 2400 के नीचे अगर रिलायंस काम करता है तो रिलायंस भी टूटेगा और निफ्टी को भी अपने साथ लेके जाएगा, फर्स्ट स्टॉक। सेकंड स्टॉक जो हम निफ्टी के लिए ट्रैक करेंगे वो है HDFC और बैंक निफ्टी के लिए HDFC बैंक, दोनों का चार्ट काफी सिमिलर है। तो इसने आज भी अच्छी रिकवरी दिखाई टुवर्ड्स दी एंड ब्रेकआउट कर रहा है। ये देखिए निकल चुका हुआ है, ब्रेकआउट कर चुका हुआ है। मैंने आपको इस एरिया में बोला था कि HDFC बैंक इज अ बाय, वहां से ऑलरेडी चढ़ रहा है। अभी आप देखोगे लाइफ टाइम हाई रेट इसके जो है वो इसके आने लगे हैं, यहाँ पे इसके लाइफ टाइम हाई है। तो जो तेजी का मूवमेंट था वो तो इसका अब काफी कम रह गया, बट इस पे मेरी नजर ये रहेगी कि अगर HDFC बैंक वीक होता है, यहाँ पे कोई एक शूटिंग स्टार बनाता है या कोई नेगेटिव कैंडल बनाता है, इन्वर्टेड हैमर बनाता है, कोई डोजी बनाता है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिखाता है, क्योंकि एक वर्टिकल मूवमेंट इसमें अगर आप गिनती करोगे तो यहाँ से लगभग आ रहा है और ये वर्टिकल मूवमेंट काफी बड़ा हो गया। ये वर्टिकल मूवमेंट में आप देखोगे ये ऑलमोस्ट 8% चढ़ गया, ठीक है। तो अगर HDFC बैंक नेगेटिव होता है तो बैंक निफ्टी को यही सपोर्ट कर रहा है, बाकी सारे बैंक काफी वीक चल रहे हैं। तो अगर ये नेगेटिव होता है तो अगेन बैंक निफ्टी में वहां पे भी मुझे सेल के लिए कॉन्फिडेंस ज्यादा रहेगा। वहीं पर अगर HDFC बैंक कल भी स्टेबल है, एक डोजी या एक मारू बोजू बुलिश कैंडल बना रहा है, तो अगेन हम बहुत बड़ा मूवमेंट, बहुत ज्यादा मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। थर्ड स्टॉक जिस पे मेरी नजर रहेगी कल के लिए वो रहेगा ICICI बैंक। देखिए ICICI बैंक का मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ, इसके अंदर तेजी टिक नहीं पा रही है। 20 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से ब्रेकडाउन आया था, गिरा, फिर वहीं तक गया, फिर गिरा, फिर वहीं तक गया। अभी दो दिन से लगातार सेलिंग आ रही है। अभी ये ट्रेंड लाइन भी बन गया, एक पैटर्न भी बन गया एक फॉल के बाद। ये फॉल कंटिन्यू होगी, इस सपोर्ट एरिया को ये टेस्ट करने के लिए आ सकता है। तो अगर ICICI बैंक कल 866 के नीचे काम करता है, देखिए याद रखिएगा आज की क्लोजिंग 70 आई है, मैं 66 की बात कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे इंटरेस्ट रहेगा और मेरे टारगेट्स रहेंगे 853 और 53 के नीचे मुझे लगभग 40 का एरिया भी पॉसिबल लगता है। लेकिन 66 के नीचे ही काम करना है और एक बार प्रॉफिट में आ जाए हम थोड़े बहुत ठीक ठाक, तो हमें वहाँ पे ट्रेल करना है क्योंकि मार्केट थोड़ी वॉलेटाइल है। मार्केट देखिए काम ऐसे ही करती है, नीचे आती है, कंसोलिडेट करती है, फिर गिरती है, फिर कंसोलिडेट करती है, तो सिमिलर पैटर्न बन रहा है। अगर यहाँ पे 20 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे ही रहता है और ये रिजेक्शन आता है 66 के लेवल को तोड़ता है, तो सेलिंग के अंदर मैं यहाँ पे इंटरेस्टेड रहूंगा। तो बाइंग के लिए यहाँ पे ऑटो स्टॉक्स काफी अच्छे हैं। मैं आपको एक चार्ट और दिखाऊंगा टाटा मोटर्स का, जो कि आज भी अच्छा कर रहा था और आपने देखा कि मारुति भी अच्छा कर रहा है। तो इसके अंदर देखिए दोस्तों एक बड़ी सेलिंग आई थी, डब्ल्यू पैटर्न बना, ब्रेकआउट आया, वहां से रिजेक्शन लाया, 20 मूविंग एवरेज तक गया एंड देन बूम, अभी ये एक बड़े वाला डब्ल्यू पैटर्न बन गया और ये निकलना चाहे तो निकल सकता है। इसका टारगेट रहेगा 440 का, तो 440 का टारगेट है। लेकिन तभी है जब मार्केट स्टेबल है, न्यूट्रल है, 18100 के ऊपर है, कोई बहुत बड़ा फॉल नहीं दिख रहा हमें, क्रैश नहीं दिख रहा, तो हम इसको भी पार्टिसिपेशन में ले सकते हैं। आज के हाई के ऊपर बाय करेंगे, 440 का टारगेट लेंगे, जो कल के कल में आ सकता है, काफी चांसेस रहेंगे। तो हमारा बाइंग साइड पे एक और स्टॉक रहेगा ये टाटा मोटर्स। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैं जाने से पहले आपको निफ्टी की ऑप्शन चेन दिखाऊंगा क्योंकि कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी ऑप्शन चेन, कल एक्सपायरी है ध्यान रखिएगा, और उसके बाद परसों छुट्टी है। देखिए बजट भी आ रहा है और अगर आप चाहते हैं मेरे साथ ट्रेड करना, आपने देखा आज लाइव पे भी कैसे अच्छा प्रॉफिट करा के दिया आपको एंड मैंने अपने ग्रुप में भी आज बहुत बढ़िया ट्रेड दिए, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लैटिनम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आपको ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप मेरे फ्री टेलीग्राम पे मुझे एटलीस्ट फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे आज जब भी बैंक निफ्टी में ब्रेकडाउन आया मैंने अपने चार्ट्स एंड अपडेट्स देता रहा टाइम टू टाइम, वीडियो भी बना के दिया सभी लोगों को और इसमें अच्छा प्रॉफिट हुआ, अपनी पोजीशन भी मैं दिखा रहा था कि भाई मैं क्यों होल्ड कर रहा हूँ कैसे कर रहा हूँ। तो जिन्होंने भी मेरे को यहाँ पे भी फॉलो किया होगा उन सबको बड़ा प्रॉफिट मिला होगा, मैंने पहले ही सुबह ही शेयर कर दिया था कि बैंक निफ्टी गिर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो मेरे बहुत सारे फेक ग्रुप है, बच के रहिएगा, ओरिजिनल ग्रुप है उदय मेहरा निफ्टी प्रेडिक्शन विद माय फोन नंबर्स, एंड इसी ग्रुप में आपको यहाँ पे प्लैटिनम मेंबरशिप का लिंक एंड डिटेल एंड ज्वाइनिंग प्रोसेस मिल जाएगा। बजट भी आ रहा है, एक्सपायरी भी आ रही है, सो ज्वाइन कीजिए, आपको अच्छा मजा आएगा। बात करते हैं यहाँ पे ऑप्शन चेन की निफ्टी की। देखिए निफ्टी के अंदर मैं देख सकता हूँ 18100 पे अनवाइंडिंग है, कुछ भी खास सपोर्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 18000 एक बार टूट जाएगा तो फिर जो मैं बोल रहा हूँ 950-900 नीचे के रास्ते खुल जाएंगे, ठीक है। और अगर हम निफ्टी में रेजिस्टेंस की बात करें तो बड़ा पड़ा रेजिस्टेंस 200, 150, 100, उसके बाद 250, 300 ऊपर जाना काफी डिफिकल्ट है। पुट कॉल रेशियो भी पॉइंट ओवरसोल्ड नहीं हुआ, 0.7 के आसपास और जगह है। तो यहाँ पे मार्केट या तो कल साइडवेज जानी चाहिए विथ सेलिंग प्रेशर, ठीक है, एटलीस्ट इन द फर्स्ट हाफ,
या फिर मार्केट अगर गैप डाउन खुलती है तो 500 का लेवल टूटने के बाद या 18,000 का लेवल टूटने के बाद और थोड़ा कंटिन्यूएशन में सेलिंग प्रेशर दिखा के फिर साइडवेज जानी चाहिए, ये मेरी एक्सपेक्टेशन रहेगी। अगर मार्केट ऊपर जाती है तो इट्स गोइंग टू बी वेरी स्लो, वेरी स्टेडी एंड यू नो इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट टू मेक मनी। फर्स्ट हाफ बिल्कुल अवॉइड कर दीजिएगा अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं, सेलिंग करते हैं फिर भी सोच सकते हैं पुट वगैरह बेचने का, बट कीप वेरी वेरी कॉशियस व्यू बिकॉज यहाँ पे मार्केट जिस लेवल्स पे अगर यहाँ से नीचे टूटी ना तो बहुत बड़ा फॉल आएगा, क्योंकि नीचे सपोर्ट सब खास नहीं है आपको दिख ही रहे, ऑप्शन चेन भी दिख रहा है, प्राइस सेक्शन भी दिख रहा है, कीप एन आई। एंड सेलेक्टेड स्टॉक्स में आपको बताएं अगर मार्केट पॉजिटिव है ऊपर जा रहा है इंडेक्स छोड़ के आप उन स्टॉक्स पे काम कीजिए जहाँ पे आपको पैसा बन सकता है, वहीं पे नेगेटिव साइड पे आपको मैंने बताया कि रिलायंस HDFC पे नजर रखनी है, अगर वो भी साथ देंगे मार्केट का तो ये मार्केट ब्रेकडाउन कर जाएगी। यही दो तीन स्टॉक्स है जो मार्केट को संभाल के रख रहे हैं। इतनी बड़ी तेजी HDFC बैंक में होने के बाद भी अगर बैंक निफ्टी टिक नहीं पा रहा है 43,000 के ऊपर तो कब जाएगा, रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं फिर भी नहीं टिक पा रहा है, तो देखते हैं क्या ये डाउन साइड को टेस्ट करता है। आई होप यू लाइक द वीडियो, आपको मैंने एक पॉइंट क्लियर करके समझाया एंड यू विल, अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करेंगे, अगर आपको बेल आइकन नहीं दबाया तो जरूर दबाएंगे, एंड वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।